आपको दो आंखें 12 हाथ फिल्म याद है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की ब्लॉकबस्टर है, जिसमें एक जेलर 6 कैदियों को सुधारने के लिए जी जान लगा देता है। मुंगेली के एक पुलिस अधिकारी ने भी कुछ इसी अंदाज में एक गांव को सुधारने का बीड़ा उठाया, वो गांव जिसके घर घर से एक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये किसी रियल लाइफ की काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ की सच्चाई है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, मगर हम जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। मुंगेली जिले में चिरौटी नाम का एक गांव ऐसा भी है जो पूरा गांव आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। अपराध यहां के लोगों की रोजी रोटी और परंपरा रही है, मगर ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लौटाने के लिए जिले के एसपी डी श्रवण ने संकल्प किया है। सुनिए क्या कहते हैं मुंगेली के नए एसपी। हमारे गांव चोरी होते राजा पुरखा से बदनाम पूरा डूबे रहे, लेकिन गांव हमारा तो सुरक्षित हो चुके हैं। आज एसपी साहब आए हैं, कृपा से गांव में सुधार आ गए है। वही रोड के ज्यादा समस्या है, वो साहब बना दे, बाकी सब इधर सुधार हवा। आज गांव के मन का संकल्प ले, अबले गलत काम गांव के कोई गांव में अब जो होगी ये संकल्प है कि गांव में गंदा काम चोरी चपटी लड़ाई झगड़ा बदमाश सब बंद है, मतलब हो नहीं सर, यही संकल्प लिए जाते। अब अपन अपन सब रोजी रोजगार सब में लग गए कर ही सब सही रहे, पढ़ाई लिखाई चीज शिक्षा लिखे बच्चे पढ़े जाते सीखना में रहे कोई सड़क बन जाए, बाकी सब तो सही हो सर। चिरौटी में शिक्षा नहीं होने से सामाजिक परंपरा को मानते हुए गांव के लोग अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। इस गांव से पुलिस थाना भी काफी दूर है, यही वजह है कि चिरौटी में एक से एक हिस्ट्री शीटर मिल जाएंगे। 252 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में लूट चोरी, नकबजनी, फसल चोरी, ट्यूबवेल, मोटर पंप चोरी को अंजाम देने वाले अपराधियों की कमी नहीं है। अपराधी मुंगेली जिले तक सीमित न रहकर कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार से लेकर राजधानी रायपुर तक भी सक्रिय हैं, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। अब गलत काम सब छोड़ दिए, पूरा गलत काम सब छोड़ दिए, गलत काम नहीं करे, गलत काम ही करिए तो बता दिए जाके इसके साहब ला क्या ये गांव में गलत काम होते, लेकिन मोर ख्याल से गलत काम नहीं होगा। काबा के साहब यहाँ आए, तुम्हें लग कितना बुरा लगा रहे जब रिश्तेदारी में जाते रहे हो। बहुत बुरा है, बेटी मिलत नहीं रही, बेटी को बिहार रही थे, इतना परेशानी चेहरा देखा कभी हम नहीं रहे। सही करें तबो गलत करें तबो बदनाम तो फंस के हैं, एक गिनती है कि सही आदमी जो काम करे वो ले जाएगा पुलिस वाला, ये दोस्त आदमी पकड़ के पुलिस वाला लेके तंग तुफान करके मारपीट करना, चलान करना, ये वो ज्यादा परेशानी है, ये नहीं होना चाहिए। ये नाम से एसपी साहब लोग बुलाएंगे। इतना अच्छा लगी साजे एसपी साहब, बहुत अच्छा लगी, एक नंबर की लगी से कि हमारे गांव में कोई यज्ञ हो गए, जीवन में सुधार आ गए, ये टाइप हमला बहुत आनंद लगा था कि साहब ऐसे। मुंगेली पुलिस ने गांव के लोगों को आपराधिक जीवन को छोड़कर मुख्यधारा में लाने के लिए कोशिशें शुरू करते हुए सबसे पहले ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव की महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं से उनके पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। फिर गांव के स्कूल में जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, तालाब गहरीकरण, अप्रोच रोड जैसे विकास कार्य तेज गति से कराना शुरू कर दिए ताकि गाँव का विकास हो सके। ऐसे विकास कार्य से गांव का माहौल सकारात्मक हो रहा है, जिसका असर ग्रामीणों की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। पहुंचने के लिए भी थोड़ा सा रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो एक्चुअली जो बदनाम के हिसाब से ही मैं बोलूंगा, क्योंकि वो गांव को हमेशा सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो सब लोग चोर है, वहाँ पे जितने भी 35-40 मकान मतलब हाउस होल्ड है, वहाँ पे 250 करीब आबादी है, तो उनका चोर का गांव के नाम पे उनका बदनाम ही है। लेकिन हम लोग इसलिए उस कारण से हम लोग जाके वहाँ पे उनसे बातचीत करने के हिसाब से गए थे, लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे वो जो गलत फैमिली है जो उसको फुरगों से वो बोलते रहते हैं कि वो चोर का गांव है। पुलिस की पहल से ग्रामीणों में भी एक नई आस जागी है, ग्रामीण प्रशासन से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग करने लगे हैं। चिरौटी की निगरानी बदमाशों से आपराधिक जीवन त्याग कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का आह्वान अब रंग लाने लगा है। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम की पहल से चिरौटी गांव और उससे जुड़े अपराध के किस्से पुराने दिन की बात हो जाएगी, जो देश में एक मिसाल होगा। हवालात के लिए मुंगेली से रोहित कश्यप की रिपोर्ट।